नमस्कार दोस्तों, हमारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरहीनियस एसिड बेस कंसेप्ट, और ये वही एसिड बेस कंसेप्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10। और ये है आज का हमारा टॉपिक। तो मैं हूँ अमरान राठौर, आप देख रहे हैं अमरान राठौर क्लासेस। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था सेवेंटे अरहेनियस। इन्होंने इस थ्योरी को 1884 में खोजा था, ठीक है। और इसके हिसाब से इन्होंने उस कंपाउंड को एसिड और बेस में क्लासिफाई किया था। तो अगर हम एसिड की बात करें तो अरहेनियस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, इनके हिसाब से एसिड ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयंस को दें। जब वो एच प्लस आयंस को देंगे तो वो एसिड कहलाते हैं, और यही चीज़ आपने अभी तक पढ़ी होगी। और अगर मैं बात करता हूँ बेस की, तो बेस कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जब हम एक्वस में मिलाते हैं तो वो OH- आयंस को देते हैं। तो यही थी हमारे पास एच प्लस और एच माइनस और एसिड और बेस की डेफिनेशन इनकी थ्योरी के हिसाब से। अब अगर मैं एसिड को डिफाइन करूं तो एसिड मीन एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन गिव एच प्लस आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन, और यही बस एसिड की डेफिनेशन है। और ये वीडियो भी काफ़ी छोटी होगी इसीलिए, क्योंकि आरहेनियस कंसेप्ट ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन इससे कई सारे कंपाउंड क्लासिफाई होने से रह जाते हैं। वो फिर हमारे पास उसके लिए ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी भी है, वहाँ पे मैं आपको दूसरी वीडियो भी दूंगा उनके लिए, ठीक है। अगर मैं एक बेस को क्लासिफाई करूँ इसी तरीके से, तो बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन गिव OH- या OH- आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और एच प्लस को हम H3O+ भी कहते हैं, ठीक है। तो यही थे बस एसिड और बेस की डेफिनेशन अरहेनियस कंसेप्ट से, और कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बहुत छोटी सी वीडियो हो गई, आपसे फिर कह रहा हूँ। और अरहेनियस कंसेप्ट बस इतना ही था। बात होगी ब्रॉन्स्टेड और लुईस की, तो वो मैं अभी वीडियो आपको अगली वीडियो दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना आठों क्लासेस, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इसके अलावा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।